तो गाइस मैं YouTube छोड़ रहा हूँ, आप लोग ये वीडियो देखे होंगे। और आज भी मैं बोल रहा हूँ वो रियल वीडियो था, कोई फेक वीडियो नहीं था। आप लोगों को मैं बता दूँ वो वीडियो वायरल कैसे हुआ, और उस वीडियो में अभी अच्छा खासा व्यूज आ रहा है। उस पर समथिंग अभी 7,000 के व्यूज होने वाले हैं। और हर एक वीडियो पे आप लोग मेरे जाके चेक कर सकते हैं, 100, 150, 200, 300, 400, 500 ऐसे व्यूज आ ही जाते हैं। लेकिन पहले मेरे वीडियो पे जाके चेक करोगे 50, 60, 30, 40, 100 ऐसे व्यूज आते थे। लेकिन 100 से मतलब कम ही व्यूज आता था, वो भी 24 घंटे बाद में। लेकिन अब मेरे वीडियो पे 1 घंटे 2 घंटे में 100 व्यूज आ जाते हैं। लेकिन कैसे ये व्यूज आता है, इसका कारण क्या है, जैसे मेरे वीडियो पे व्यूज अब अच्छा खासा आ रहा है, अब भी अपने वीडियो को वायरल कर सकते हैं। और वो मेरा वीडियो वायरल कैसे हुआ इसका मैं तरीका भी बताऊँगा कि वो वायरल कैसे हुआ, और रियल वीडियो था, कोई फेक वीडियो नहीं था। आज भी मैं बोल रहा हूँ कि वो रियल बनाया। और आज मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी लुका के रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, यानी कोई अभी नहीं है मेरे घर में जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज भी मैं रियल बोल रहा हूँ, कितने लोगों को वीडियो फेक लग रहा होगा, उसमें कितने लोग उसके ऊपर वीडियो भी बनाए हैं कि ये बंदा रो के और बड़े यूट्यूबर को से मतलब टारगेट किया और रो के और उनसे व्यूज बढ़ावाया और उनके मतलब कमनी टाइम में अपना वीडियो का लिंक डलाया, यानी ये रो रहा था तो बड़े यूट्यूबर को देखा नहीं गया, जिससे हमारे वीडियो का लिंक अपने कमनी टाइम में डाल दिया। तो जो बोले आप सही है, आपका कहना है, जैसे आप सोचो, जैसे आपका मन। हमारा तो यही राय है कि मैं वो जो वीडियो बनाया था वो रियल था, कोई फेक नहीं था। आज भी मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते हकीकत में, जो भी मैं अब वीडियो बनाता हूँ वो लुका के वीडियो बनाता हूँ। तो मेरा वीडियो वायरल कैसे हुआ था आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आपने भी अपना वो वीडियो अगर बनाया है, जैसे मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ, ये नहीं है कि मतलब ऐसे ही बना दो, कुछ रीज़न हो तभी बनाओ। मैंने उस वीडियो में कुछ रीज़न भी दिखाया, कुछ प्रूफ भी दिखाया। हकीकत में करीब 6 से 7 महीने में मेरे मतलब डॉलर जो बने हैं, करीब 6 से 7 महीने में $20, यानी $20 भी नहीं होता, $18 मैंने दिखाया था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि करीब फर्स्ट पेमेंट आने में मैंने बताया था कि 3 से 4 साल लग सकता है। तो मैंने वो रियल बताया था, कोई फेक नहीं था। मेरे वीडियो पे व्यूज भी बहुत कम आता था, लेकिन अब मेरे वीडियो पे 100, 200 ऐसे व्यूज आ जाते हैं। लेकिन इतना से भी अभी कुछ नहीं होगा, जब तक वीडियो पे 1,000, 1,500, 2,000, 3,000 ऐसे व्यूज ना आए, तो एक दिन का $1 ना बने तो इससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। अभी मेरे वीडियो पे कोई व्यूज नहीं आ रहा है, अभी भी कम व्यूज है। तो मेरा वीडियो वायरल कैसे हुआ था और पहले से मतलब अच्छा खासा अभी व्यूज आ रहा है, ये कैसे ये पॉसिबल हुआ? तो सबसे पहले तो आप वीडियो बनाओ, जैसे आप कोई भी वीडियो बनाए, जैसे मान लीजिए आपने वीडियो बनाया कि मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ, तो उसमें आप कुछ मतलब बताओ, और कुछ बताओ अपना रीज़न भी बताओ कि क्यों यूट्यूब छोड़ रहे हो। मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था बताया था, और मैंने रियल में दिखाया भी था प्रूफ कि मैं इसी कारण मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ, और मेरे फैमिली वाले भी सपोर्ट नहीं करते थे। और मैंने एक और काम किया था जिससे 100% उस वीडियो पर व्यूज आया, तो मैंने एक यूट्यूबर को नहीं मेंशन किया था, यानी 4 से 5 यूट्यूबर को, वो भी बड़े बड़े यूट्यूबर को मेंशन किया था। लक्की पांडे हो गए, टेक चैंपियन सपोर्ट हो गए, मनोज देव हो गए, बहुत बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं उनको मेंशन किया था। लेकिन हमारे लक्की पांडे सर हैं जो हमें सपोर्ट किए, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर, आपने मुझे सपोर्ट किया और मेरे बातों को आपने समझा, तकलीफ़ को समझा। बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, लेकिन कम मतलब ऐसे यूट्यूबर हैं जो गरीब यूट्यूबर को सुनते हैं, चाहे छोटे यूट्यूबर को मतलब सपोर्ट करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे तरफ से थैंक यू सर। और वीडियो वायरल होने का यही कारण है कि उन्होंने अपने कम्युनिटी में लिंक डाल दिया, जिससे हमें अच्छा खासा सपोर्ट मिल पाया। और उन्होंने ही नहीं, बहुत सारे 2-3 यूट्यूबर को मैं देखा हूँ, ऐसे तो नाम तो ध्यान नहीं आ रहा है, उनको भी लाखों में सब्सक्राइबर थे, उन्होंने भी हमारे उस वीडियो को कम्युनिटी में डाला था, जिससे हमारे वीडियो पे अभी 7,000 के व्यूज आ चुके हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और उससे 100-200 सब्सक्राइबर भी बढ़ गए हैं जो जेन्युइन है। जैसे मैं वीडियो कोई भी अपलोड करता हूँ जिससे मेरे वीडियो पे 100-200 ऐसे व्यूज आ ही जाते हैं। तो आपको भी जो भी वीडियो बनाए उसमें कोई भी आप वीडियो बनाए, तो बड़े यूट्यूबर को आपको मेंशन करना है, यानी मेंशन और टारगेट करना है। उसमें मेंशन कैसे करना है, राइट लगा के अपने डिस्क्रिप्शन जो लिखते हैं उसमें मेंशन करना है। इससे क्या होगा कि जो उनका वीडियो रहेगा उसके नीचे आपका वीडियो सजेस्ट करेगा, तो देखेंगे अगर उनको अच्छा लगेगा तो आपके वीडियो को अपने कम्युनिटी में डाल देंगे। तो आपको जो भी वीडियो बना रहे हैं, टेक रिलेटेड वीडियो है चाहे ब्लॉगिंग है, तो अपने क्रेडिट में देखना है कि कौन बड़े यूट्यूबर, उनको मेंशन करना है, मतलब टारगेट करना है, और इंस्टाग्राम पे भी मेंशन करना है, और अपने डिस्क्रिप्शन में भी टेक मेंशन करना है। इससे आप लोग को अच्छा खासा सपोर्ट भी मिल पाएगा। तो यही है वीडियो वायरल करने का तरीका। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अपने वीडियो को वायरल कैसे करें।
तो चलिए गाइस आज का हमारा यही वीडियो था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें। तो चलिए गाइस आज का हम वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए सो थैंक यू, वेलकम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।